राजा नल जो एक इतना तगड़ा खिलाड़ी था उसके साथ कोई खिलाड़ी नहीं, लेकिन जब नुकारन उल्टी कड़ी लाकर जब क्या कहना ला क्या करे क्या रखना समय में
ने रूप का लाग्या था भाई राजा हरिश्चंद्र के ईशा को दाने ने ईशा को सतवादी ने राजा हरिश्चंद्र के वो बात नहीं थी। वरुण देवता की भक्ति करी, वरुण देवता ने कहा भाई तुम्हारे भाग में संतान नहीं है। नवल्या महाराज को जतन तो है, हमने इतनी भक्ति करी। नवल्या सुनो एक विधि है, मैं आपको एक पुत्र का वरदान दूंगा, लेकिन सुनिए 12 साल तक रहेगा तारक, फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। मोह नवल्या कोई बात नहीं, 12 साल तक ही दे दे। रोता सुना जब न्यू मेरा पाट्या था, इसके बदले में यो वापिस भी देना है, इसकी बलि चढ़ानी पड़ेगी अपने हाथा। नहचा भाई चारों वर्ण में ब्राह्मण सबसे सर्वप्रथम एक ब्राह्मण के लड़के को अपने बेटे के बदले उसको मारने के लिए मंदिर में ले गया कि बेटा वरुण देवता तलिया ना मौके पर उल्टा दिया किया हरिश्चंद्र ने जुलम कमाल मारना ब्राह्मण सुतदारिया के इसी बलि चढ़ाओगे पकड़ मन कित ले जाओगे। न बोलिया उसकी भी नीलामी होगी थी जिसका पूरी दुनिया में नाम था क्या हरिश्चंद्र के समान क्या कहना भाई बखत से किसने राजा मोर ध्वज का एक लड़का था। एक दिन श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन राजा मोर ध्वज का सत अजमाने के लिए शेर को लेके आए। जो का आग्रह सत उनमें था राजा मोर ध्वज ने कहा कि क्या चाहिए कि मारकने एक शेर है वो भूखा है और वो डूंगा में मानस न खाऊ और खाऊ उसने जिसके मात पिता अपने हाथ तक काट के खुआ है और रोवे नहीं ईसा मानस की कोई सह अपनी औलाद ने काट के शेर तक खुआ दे। राजा हरिश्चंद्र ने वो काम करा। राजा मोर ध्वज जिसका यो नाम इतना होया अब भाई मोर ध्वज भी बहुत बढ़िया मानस है। क्यों? उसे मालूम था कि परमात्मा जरूर तेरी टेर सुनेगा, फिर उसने अपनी औलाद वापस फिर मिल गई। क्या उदाहरण दिया
नकानी